स्टनिंग कॉटेजेस, क्यूट एस्थेटिक डेकोर, टेस्टी फूड, एक जगह जहां आप नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हो और सबसे मेजर पेट फ्रेंडली। हाय फ्रेंड्स, हम हैं टीम चिकैश एडवेंचर्स और हम आपके लिए लेके आते हैं ऐसी यूनिक अच्छी अच्छी जगह जहाँ पे आप अपने पेट्स के साथ एंजॉय कर पाते हो। तो आज हम ऐसी ही एक जगह पे आए हैं जिसका नाम है, आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए इसका नाम, डिटेल और टैरिफ और सब कुछ जानने के लिए। तो आपको पता है क्या करना है, उससे पहले ज़रूर नीचे जो बटन है उसको सब्सक्राइब करना है, एंड तक देखिए, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। हमारे जो मुंबई के सब्सक्राइबर्स हैं वो हमें रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मुंबई के आसपास की जगह दिखाइए, तो इसलिए आज चिकैश एडवेंचर्स की सवारी निकली है करजत। करजत जाने के लिए पुणे से हमने एक्सप्रेसवे लिया और फिर खोपोली एग्जिट लेके हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए। अंदर से आपको रूम दिखा देती हूँ। ये है छोटा सा कॉटेज है और यहाँ पे बेड है, फैन दिया गया है, एसी भी चल रहा है बिल्कुल, और ये सिटिंग एरिया है। यहाँ पे हैंगर्स दिए गए हैं और टी कॉफ़ी मेकर, मतलब केटल दी गई है, टी कॉफ़ी वगैरह सब कुछ रखा गया है, दिए गए हैं, ग्लासेस है, पानी है और फ्रिज है जो कि ऑपरेशनल है, और ये है वॉशरूम, नीट क्लीन है वॉशरूम, टॉयलेटरीज भी दी गई है, नैपकिन दिया गया है, टॉवल्स, हाँ टॉवल्स आई थिंक यहाँ पे बाहर रखे है। तो बेस्ट है, छोटा सा एकदम बढ़िया है, और सबसे बेटर है कि ये व्यू यहाँ से जो आपको मिलता है ये एकदम गजब है। तो मेन ड्रॉबैक हम लोग को लगा कि प्रॉपर्टी से डायरेक्ट एक्सेस वाटर के लिए नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे ये पूरा फेंस लगा है और यहाँ से उन्होंने बोला कि नहीं जा सकते, मतलब जाने का रास्ता नहीं है, तो कहीं से आपको घूम के जाना पड़ता है। तो हम लोग को एक्चुअली लगा था कि डायरेक्टली कॉटेज से आप जा सकते हो पानी की तरफ, इसलिए हमने मतलब वो सोच के एक्चुअली चीका के हिसाब से बुकिंग किया था, बट वो नहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं बिकॉज अगर वो लोग को, मतलब चीका को पानी में नहीं जाने दिया तो वो पागल कर देगी हम लोग को तो इसीलिए हमने सोचा कि पहले उसको लेके जाते हैं लेक की तरफ, और जैसे ही उसको मतलब जितना स्विमिंग करना है, ऐश को जितना दौड़ना है, थोड़ा थक जाएंगे तो वो शांति से बैठेंगे। प्रॉपर्टी में इनके दो डॉग्स हैं, यहाँ पे लैब्राडोर्स है, ये देखिए, तो ये अभी ओल्ड डॉग्स है, तो वो दूसरे पेट्स के साथ फ्रेंडली नहीं है, तो उन्होंने बोला जब भी हम आए तो उन्होंने बोला कि आप पेट्स को निकालिए नहीं जब तक हम उनको बांधते नहीं है, तो वो उनका एरिया है डेजिग्नेटेड। ये है जैसे यहाँ पे तीन कॉटेजेस है, ये भी कुछ ऐसे अलग सा एक बंगलो दिख रहा है, इसके साथ पूल अटैच्ड है, और बाकी डिटेल मैं अभी पूछती हूँ उसको थोड़ी देर में, और ये सब भी आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो चीका को ले चलते हैं पानी में ताकि हम लोग फिर आराम से अपनी छुट्टी एंजॉय कर पाए। ये देखो कितना तड़फड़ कर रही है। तो चीका जैसी डॉग है अगर आपकी, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप वहाँ पे जाइए जहाँ अभी रास्ता मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से जाना है, हम लोग भी एक्चुअली ढूंढेंगे। उन्होंने कहा कि गाड़ी जाती है वहाँ तक, तो यहाँ से जैसे हम एंट्री किए वहाँ से ही पीछे से रास्ता है, तो पहले उधर चलते। तो अभी हम जा रहे हैं, ये रास्ता एकदम ख़राब है वैसे, तो ये गाँव के थ्रू जो रास्ता जा रहा है उसके थ्रू हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ऑफ रोडिंग भी हो रहा है। तो जैसे रास्ता जा रहा है वैसे ही हम जा रहे हैं और देख रहे हैं कि रास्ता वहां तक है कि नहीं। एक गाड़ी तो दिखाई दी हम लोग को, पता नहीं कि ये उधर ही आए हैं या पता नहीं कहां गए हैं, बट डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए था पानी का वहां से, नहीं तो फिर
मजा नहीं है सरल व्यू का, है ना। तो हमने जुगाड़ लगाया, ये यहाँ पे ऐसे नेट लगाई थी तो यहाँ पे थोड़ा खुला था देखो, तो हम लोग इधर से आए क्योंकि वो मेन रास्ता कहाँ से हम लोग को कुछ समझ में ही नहीं आया। तो हम लोग अभी ये पीछे से जा रहे हैं, ये थोड़ा सा देखो ऐसे ढलान पे है बट जा सकते हैं, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो एटलीस्ट वाटर एक्सेसिबल, मतलब प्रॉपर्टी के नज़दीक से आप कर सकते हो। ठीक है, हम लोग तो जा रहे हैं अभी और चीका को एंजॉय करने मिलेगा। तो वहाँ पे स्टाफ एक आया और हमें बताया कि कुछ वहाँ पे मिसअप हुआ था, इसीलिए उन्होंने वहाँ से एंट्री बंद ही करवा दी है। तो अभी हम वापस गाड़ी में बैठ के वापस जा रहे हैं। ये लड़की के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है देखो, और ये ऑलरेडी मतलब उतने टाइम में वहाँ गई और काली होके आ गई, इसका चेहरा तो देखो बाय गॉड। उसने बोला कि 5 मिनट का रास्ता है, तो उसी रास्ते पर अभी वापस जा रहे हैं हम लोग और देख रहे हैं कि कहाँ से एंट्री पॉइंट है। दूसरी साइड से है, मतलब वो रिजॉर्ट से एक्सेस नहीं है, लेकिन बस 5 मिनट अगर आप ड्राइव करके जाते हो तो वहाँ से एक्सेस है। तो अभी देखते हैं हम लोग को मिलता है क्या रास्ता, जहाँ तक रास्ता जा रहा है कच्चा रास्ता है, लेकिन जहाँ तक जा रहा है हम लोग जाएंगे और ढूंढेंगे तो सही रास्ता, देखते हैं। तो ये देखो हमने वहाँ से एंट्री पॉइंट हम लोग को दिखाई दिया, एक पेड़ दिखाई देता है, वहाँ से आपको अंदर आना है और ये कच्चा रास्ता बना है। तो अभी आ रही है अपनी गुरखा। फाइनली हमने रास्ता ढूंढ ही निकाला, ऐसे इजी है रास्ता रिजॉर्ट से, बस 2 मिनट आपको गाड़ी में आना है और आप ये देखो रिजॉर्ट हमारा उस साइड है और हम लोग अभी आए हैं इस साइड। वो देखो वहाँ पे कॉटेजेस दिखाई भी दे रहे हैं मुझे, तो अभी हम इस साइड आए हैं। अभी ये पूरा खुला मैदान है इनके लिए, ऐश को दौड़ने के लिए भी अच्छा है और चीका वहाँ पे स्विमिंग भी कर लेगी। तो ये देखो चीका फाइनली गई पानी में, ऐश भी पानी में गई, अभी उसको मतलब मज़ा आया ना, तो हम लोग को अभी हमारा हॉलीडे अच्छा होगा, नहीं तो हम लोग वही पानी के चक्कर में, मतलब वो इतनी रेस्टलेस होती और हम लोग का पूरा हॉलीडे मतलब ख़राब हो जाता। तो अभी हम लोग अच्छे से हॉलीडे एंजॉय करेंगे, तो उसको मस्त अभी आधा एक घंटा जितना स्विमिंग करना है स्विम करने दो। आज भी मस्त यहाँ दौड़ रही है, ये जगह अच्छी है वैसे, यहाँ पे मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, लोग नहीं, दूसरे जानवर भी नहीं, तो ये ओपन जगह अच्छी निकली। वो वाले कॉटेजेस में हम लोग है उधर और हम लोग यहाँ से घूम के ऐसे आए यहाँ पे। Bye.
तो रिजॉर्ट से बस 2 मिनट दूर अगर आप गाड़ी से आते हो या चल के आप ट्रैक करके भी आते हो तो यहाँ पे देखो गाड़ी खड़ी है। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे जब ही आई थिंक बारिश का पानी आता होगा यहाँ पे सारे वाटरफॉल्स दिखते होंगे और यहाँ पे पानी भरता होगा तो यहाँ से ओवरफ्लो होता होगा। तो आई थिंक मेन पीक सीज़न में बारिश में ये भी साइड बहुत अच्छा लगता होगा। यहाँ पे मस्त आई थिंक वो फिश पकड़ रहे हैं कोई वहाँ पे और यहाँ पे स्वॉन्स वगैरह दिख रहे हैं। ये भी एक अच्छी जगह है, यहाँ पे आप बैठ के मस्त थोड़ी देर शांति से एंजॉय कर सकते हो, चिल कर सकते हो। फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो तो बहुत अच्छी जगह है चिल करने के लिए। हालांकि यहाँ पे डेफिनेटली ये देखो कचरा, बियर बॉटल्स, ये सब तो मतलब पता नहीं दिखती है यार, छोटे गांव हो, कुछ भी हो, कोई भी टूरिस्टी जगह हो, ये सब तो दिखता ही है। इतनी सुंदर जगह है देखो, बट कचरा तो दिखना ही है, क्या बोलेंगे, बुरा लगता है। बट वहाँ अच्छा है, वो सब अच्छा है। यहाँ पे भी उन्होंने बोला कि स्विमिंग करने के लिए काफ़ी सेफ है, तो चीका को यहाँ पे भी लेके जा सकते थे, बट वो जगह अच्छी हम लोग को दिखाई दी। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी करने मिला हम लोग को, तो मज़ा आया। तो चलिए अभी रिजॉर्ट की तरफ चलते हैं, 2 मिनट ही दूर है यहाँ से, तो चलते हैं अभी। इनका 3 BHK विला है, अगर आप बहुत बड़े ग्रुप में आ रहे हो तो ये एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे पूरा आपको किचन सेटअप मिलता है, माइक्रोवेव और फ्रिज और इंडक्शन स्टोव है, और ये बड़ा सा लिविंग रूम है। कैरम वगैरह भी दिया गया है, तो इंडोर गेम्स है आपके लिए, कूलर दिया गया है, टेलीविजन है, और यहाँ से भी पूरा लेक व्यू आता है। तो ये पूरा अगर आप खोदोगे ये पूरा आपको लेक व्यू यहाँ से मिलता है, एक प्राइवेट विला टाइप आपका हो जाएगा ये। तो फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो तो बिल्कुल मस्त है, एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे। ये डाइनिंग एरिया है और ये एक बेडरूम है। और ये एक बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम है, तो इससे अटैच वॉशरूम भी मिलेगा आपको। और हर एक रूम में एसी भी है, अच्छा है, नीट है। मेन तो व्यू है इसका, ये हाईलाइट है, मतलब हर जगह से आपको सुंदर व्यू आता है। और बाहर मचान भी दिया गया है, बाहर से दिखाते हैं अभी आपको, आइए। तो ऊपर से भी आप पूरा व्यू ले सकते हो, ट्री हाउस जैसी फीलिंग आ रही है, और वहाँ से पूरा आपको लेक का व्यू आएगा, मस्त है ये भी। तो ये देखिए ऊपर जाके मचान से आपको कितना सुंदर व्यू आता है, पूरा 180 डिग्री व्यू आपको आएगा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ब्यूटिफुल। तो ये जो आप बंगलो बुक करते हैं उसके लिए ये प्राइवेट पूल है। अभी यहाँ पे गेस्ट नहीं है तो इसीलिए इन्होंने ये क्लीन नहीं किया है, बट जैसे स्टाफ ने हमें बताया कि ये पूरा क्लीन करके अच्छे से वो लोग सेटअप करके देते हैं। और सबसे मेन बात कि हर एक जगह में जैसे आप विला बुक करते हो या स्टोन कॉटेज बुक करते हो या जो स्मॉल कॉटेजेस है वो बुक करते हो, कोई भी आप जगह बुक करते हो, सारी पेट फ्रेंडली है, सब में पेट्स अलाउड है। पूल में पेट्स अलाउड नहीं है, बट जैसे मैंने पहले बताया अगर आप चाहो तो बस 2 मिनट दूर जाइए यहाँ से और आप लेक में अपने डॉग्स को स्विमिंग करवाने लेके जा सकते हो। तो ये एक और ऑप्शन है इनके पास, ये देखते हैं हम लोग कैसा है अंदर से। तो
तो इसमें जैसे बताया गया हमें कि 4 से 5 लोग आराम से आ सकते हैं। ये भी एक छोटा कॉटेज टाइप ही है, जैसे हम लोग जहाँ रह रहे हैं उसी तरह का है, बट एक्स्ट्रा बेड यहाँ पे मिलता है आपको। ये एक बेड है जो आप मतलब नीचे एक्स्ट्रा बेडिंग वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो 4 से 5 लोग आराम से यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे भी अगेन सेम सब टी कॉफ़ी मेकर है, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन है, हैंगर्स दिए गए हैं, अटैच्ड वॉशरूम है, और ये एरिया बहुत सुंदर है देखिए। और व्यू अगेन आपको यहाँ से व्यू जो आता है वो बहुत सुंदर है। ये सिट आउट भी बहुत अच्छा बनाया गया है, ये देखिए यहाँ पे आप मस्त बैठ के, एक प्राइवेट सिटिंग एरिया आपका हो जाता है, तो यहाँ पे मस्त बैठ के आप ये व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे भी एक प्राइवेट सिट आउट एरिया है देखो, तो ये आपको ये स्टोन कॉटेज के साथ मिलता है। तो यहाँ पे बारबेक्यू सेटअप भी है मस्त, आप यहाँ पे शाम को चिल करके यहाँ पे पूरा गेट टुगेदर बैठ सकते हो और बारबेक्यू एंजॉय कर सकते हो ये व्यू के साथ। तो बारबेक्यू सेटअप अगर आप अपना मैरिनेटेड मीट्स लाते हो तो 300 रुपीज़ चार्ज लेके वो आपको पूरा कोल का सेटअप ले करके देते हैं, और अगर आपको उनका मैरिनेटेड मीट चाहिए तो 1 kg चिकन के लिए 1000 रुपीज़ चार्जेस है। का पूल एरिया भी है, तो ये जो पूल एरिया है ये अगर आप स्टोन कॉटेज बुक करते हो उसके लिए, और जो वहाँ पे 4 कॉटेजेस है जहाँ पे हम ठहरे हैं वो सारे लोग ये एक्सेस कर सकते हैं। पूरी आपको इन्फिनिटी पूल वाली फीलिंग आएगी अगर ये सब यहाँ पे नहीं होगा, चेयर्स वगैरह, तो बहुत सुंदर लगेगा और क्लीन वाटर लग रहा है एकदम बढ़िया। तो ये है ग्लास डोर कॉटेज, ये 2 कॉटेजेस है, ये हमारे जो 2 कॉटेजेस है इसके बगल में है, और ये अंदर से देखो ऐसे है, तो साइज़ में छोटे है वैसे ये, लेकिन अटैच वॉशरूम है, और इसमें भी सब कुछ जैसे टी कॉफ़ी मेकर दिया है, हैंगर्स दिया है, एक फ़ैन है, एसी है, और फ्रिज है, और एक बेड है, और बेड से आपको व्यू आता है ये। ये देखो आइटम गर्ल एकदम सेट हो गई है, हमने अपनी चादर बिछा दी है इस पे और ये मस्त आराम से सो गई है। इसको अभी भी जाना है पानी में, अभी इसको मस्त सुखाया हमने, टॉवल ड्राई किया और एसी चला दिया है मस्त, तो ये तो अभी सो गई है। थोड़ी हल्की हल्की बारिश चालू हो गई है बाहर, तो इसलिए हम लोग अंदर आए, बट व्यू देखो कितना मस्त लग रहा है, बारिश में भी अच्छा लग रहा है, मौसम एकदम सुहाना हो गया। अभी रुक गई बारिश, वैसे बीच में आती है बीच में जाती है। डैडी भी अभी ढह हो गए, तीनों अभी ढह हो गए, सिर्फ चिट्टू और मैं है, एनर्जी बॉम्ब्स है ना चिट्टू, ऐश एकदम डैडी जैसी है, जल्दी ढह हो जाती है, और चिट्टू मेरी जैसी है ना, यस। तो हमारा मस्त अभी खाना हो गया है, इनका भी खाना हो गया, और अभी गुड नाइट कहने का टाइम आ गया, गुड नाइट हो ना, गुड नाइट चिटू, सी यू टुमारो मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हुई है विद दिस व्यू। तो ये जगह के बारे में थोड़े मैं डिटेल्स आपको दे देती हूँ। ये जगह पड़ती है करजत में, इसका नाम है द फार्म हाउस और ये पड़ता है चौक गांव में। तो मुंबई से लगभग ये 40-45 किलोमीटर्स है और पुणे से लगभग 90 किलोमीटर्स है। तो जैसे हम बानेर अपने घर से निकले थे पुणे से, तो हम लोग को करीब 1.5 से 2.5 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में। मुंबई से भी लगभग आई थिंक 1-1.5 घंटे में आप पहुँच सकते हो। बहुत सुंदर शांत जगह है। ऐसी जगह आप आते हो जब आपको जो आपकी डेली रूटीन लाइफ है, शोर शराबा, ट्रैफिक और उस सब से आपको अगर दूर आना है और नेचर से कनेक्ट करना है, तो ये जगह बेस्ट है रिलैक्स करने के लिए, वीकेंड गेटअवे के लिए, या एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, चार दिन के लिए। जैसे हमारे बगल में एक कॉटेज है, वहाँ पे तो जो कपल थे वो उन्होंने हमें बताया कि वो 2 साल से आ रहे हैं और ऑलमोस्ट 4-5 बार यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये बिल्कुल वैसी जगह है जहाँ आप बार बार आना चाहो, बिकॉज़ यहाँ पे एकदम शांति है और बहुत खूबसूरत है। जैसे आप यहाँ आते हो तो आपको क्या क्या है करने के लिए, सबसे मेन है तो पूल है। पूल में आप बिल्कुल मतलब चिल कर सकते हो, मज़े कर सकते हो। ये जो पूल है ये सबके लिए एक्सेसिबल है और अगर आप बंगलो बुक करते हो तो उसके लिए आपको अलग एक प्राइवेट पूल मिलता है। फिर आप नेचर वॉक के लिए जा सकते हो। जैसे ही आप गेट से निकलते हो तो पूरा बिल्कुल ये जो है, कल हम लोग वहाँ तक गए थे, गाड़ी हमारी वहाँ तक गई थी, तो आप गाड़ी लेके ड्राइव करके भी जा सकते हो या वॉक भी ले सकते हो। और जैसे हैमक्स लगाए हैं जगह जगह पे इन्होंने, झूले लगाए हैं, या बिल्कुल बस चिड़ियों की आवाज़ सुनो और ये व्यू एंजॉय करो, बुक पढ़ो, म्यूज़िक सुनो, या अगर आप आर्टिस्ट हो तो पेंटिंग करो। मतलब ये जगह ऐसी है कि जहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है तो आप आइए, और कुछ करना है तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा, हमें तो बहुत मज़ा आया, चीका ऐश को भी बहुत मज़ा आया। अगेन पूरी जगह पेट फ्रेंडली है, कहीं भी आप डॉग्स को लेके जा सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ से बस गेट से आप लेफ्ट में जाओगे तो नढ़ल गांव आता है और ये जो लेक है वो उसी के नाम पर है, इसको नढ़ल लेक बोलते हैं। और जो कल हमने वहाँ पे चोटी देखी थी वो है ईर्षलगढ़ फोर्ट। तो यहाँ से बिल्कुल ईर्षल वो मतलब फोर्ट के रुइंस है अभी वहाँ पे, बट आप ट्रैकिंग करके वहाँ पे भी जा सकते हो। जब आप ये जगह बुक करते हो तो आप सिर्फ रूम ओनली के चार्जेस देते हो। तो जैसे कॉटेजेस है जो हम लोग जहाँ ठहरे हैं वो कॉटेज और ग्लास डोर कॉटेज जो दोनों है, उसका टैरिफ आपको लगभग 3500 से 4500 के बीच में पड़ेगा। जो आप स्टोन कॉटेज बुक करते हो वो लगभग 4500 का है। तो ये बुक करने के लिए आपको दो ऑप्शन है, आप एयरबीएनबी लिंक के थ्रू भी बुक कर सकते हो और मैं इनका डायरेक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करके। रेट्स सीजन वाइज चेंज होते हैं तो और वीकेंड वीकडे के रेट्स अलग होते हैं, तो आप उनसे कंफर्म कर दीजिएगा, कंसल्ट कर दीजिएगा बुकिंग करने से पहले। जो कॉटेजेस है छोटे वाले वो कपल्स के लिए अच्छे हैं, उसमें टेलीविजन नहीं है। अगर आप स्टोन कॉटेज और बड़ा विला बुक करते हो तो उसमें टेलीविजन है, तो अगर आपके साथ बच्चे हैं जिनको टेलीविजन देखना है तो आप ये दोनों ऑप्शन में से लीजिए। और यहाँ पे वाईफाई आता है, वाईफाई वो लोग देते हैं बिल्कुल, रेंज यहाँ पे बिल्कुल आती है, हमारा जियो का नेटवर्क है तो वो भी रेंज यहाँ पे आती है। और खाने की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे अलग अलग इनका मतलब इन हाउस किचन है, तो वो लोग बहुत सिंपल डिलीशियस महाराष्ट्रियन खाना आपको देते हैं। तो कल हमने जैसे मंगाया था पनीर मसाला और रोटी डिनर के लिए, आज ब्रेकफास्ट में हमने मंगाया चाय, कॉफ़ी, पोहा और ऑमलेट। तो खाना हमें बहुत अच्छा लगा। इनके सेट मील प्लान्स भी होते हैं, अगर आप वो लेना चाहो तो आप वैसा ले सकते हो या फिर आप यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हो, बिल्कुल रीज़नेबल है, हाई फंडू चार्जेस नहीं है और खाना बहुत अच्छा है, टेस्टी है बिल्कुल। तो ये देखिए आज का हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है,
पूल साइड में हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें यहाँ पे ब्रेकफास्ट दे दिया जाए। और मैं यहाँ के स्टाफ का स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी, इतने अच्छे स्टाफ है, स्माइलिंग है और बहुत हेल्पफुल है। छोटी सी छोटी चीज़ जैसे हमें रात को ओडोमॉस ला के दिया, और पानी जैसे यहाँ पे 2 बॉटल्स ये लोग देते हैं बिस्लरी की, तो वो रिफ़िल करके किचन से आप ले सकते हो, तो पानी ला के दिया। और जनरली मतलब जैसे टेबल भी यहाँ हमें अभी सेटअप करके दिया, पूल साइड और लेक व्यू दोनों हमें आ रहा है देखो ब्रेकफास्ट करते वक्त। और बिल्कुल मतलब हमें प्राइवेसी देते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टाफ आपके सर पे चढ़ा रहता है, और बहुत कूल है, रिलैक्स्ड है, बहुत अच्छे है। तो स्टाफ का स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी मैं। और अभी हम एंजॉय कर रहे हैं पूल साइड विथ लेक व्यू ब्रेकफास्ट। तो हम अभी यहाँ से द फार्म हाउस करजत से चेकआउट कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा हो और आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी और अच्छी अच्छी पेट फ्रेंडली जगह आपको देखने को मिलेगी। अंटिल नेक्स्ट एडवेंचर, चिक कैश एडवेंचर्स।